जो बरवाड़ा शहर के अंदर है, आप सारे तो डिस्कस करते रिव्यू लेते पे कौन सी सरकार। भाई साहब नमस्कार। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रदीप सोरान। प्रदीप सोरान, तो प्रदीप जी आप कौन सी सरकार देखना चाहोगे सेंटर में? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। और आप एक मुद्दा चला हुआ बहुत वायरल जिस प्रकार से केजरीवाल वाला, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्या केजरीवाल दोषी है? ईडी की टीम ने भी जिस तरह बोल दिया, मतलब उस पर कार्रवाई की गई और फिर जैसे उसको ले जाया गया, जेल में बंद किया गया, आपको क्या लगता है? नहीं, ये सब झूठी राजनीति है। मोदी जी नाना सही सरकार है। हर वर्ग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। हर वर्ग किसान, दो तीन साल से किसानों पर लाठीचार्ज होने लग रही है। शंभू बॉर्डर दिल्ली के अंदर एमएसपी के लिए किसान भाग रहे हैं, उनको जाने नहीं जाता दिल्ली। और जो अपने आंगनवाड़ी महिलाएं हैं उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा है। कोई वर्ग लगा लो आप, सभी वर्ग दुखी है इस सरकार से। इसने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। और जो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है। कोई इनके पास सबूत नहीं मिले अभी तक। और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने 6 महीने के अंदर उनको जमानत मिल की है। इस सच्चाई के हिसाब से उनको जमानत मिली है, नहीं तो वो संजय सिंह को तो जमानत मिल गई। लेकिन आप केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो ईडी की टीम ने जो इल्जाम झूठा लगा है, इसका झूठा है, बिल्कुल झूठा है। और ये भी सच्चाई सामने आ जाएगी कुछ दिन में। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे, कोर्ट जमानत भी देगी। तो जज ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट मांगी है ईडी के टीम से, भाई किस प्रकार से आपने किस बेव पे केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, मतलब उसने दोबारा याचिका लगाई जो केजरीवाल ने, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई उसके बारे में आपके क्या रिव्यू, भाई किस प्रकार का फैसला आना चाहिए? इन्होंने झूठे गवाह बनाए हैं बीजेपी सरकार ने, केजरीवाल के खिलाफ झूठे गवाह बना के इनको अंदर करवाए गए। अच्छा, चलो जी धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पे जो अंकल जी, उनसे बात कर रहे हैं। अंकल जी राम राम। अंकल जी सेंटर में कौन सी सरकार देखना चाहोगे? बीजेपी का है? मोदी आएगा जी। मोदी आएगा? क्यों आएगा मोदी? क्यों आएगा? काम करे हैं। काम करे? क्या क्या काम किए हैं ये बताओ। लड़का इधर आना एक बार। हाँ, एक बार आ तो दे, एक दो मिनट बस। अच्छा बताओ जी क्यों आना? पैसे मांगते थे पहले कांग्रेस की, बगैर पैसे लगे है। अच्छा, हमने और कुछ क्या चाहिए? मोदी जी बगैर पैसे, बगैर पैसे नौकरी लगे। अच्छा। लगे लोग तो नुको हम पीएचडी कर बूढ़े हो लिए लग दे को नौकरी जी। आप बने हैं काम है, काम आप बन रहे हैं जी। तो इसका मतलब पीएचडी करे बड़े पढ़ते को नहीं? नहीं पढ़ते क्यों नहीं, जब पीएचडी कर ली नहीं उसने, फिर भी वो नौकरी क्यों लग रहा? फिर उसकी समझ में कौन होगी? अच्छा, उसकी समझ में कौन होगी? लेकिन पीएचडी करे बड़े डी ग्रुप की नौकरी करने लग रही, इसमें कितना सही है, कितना देश तरक्की कर रहा है। फसल में करनी पड़ेगी, फिर वो किसी में बड़ा नंबर पड़ेगा उसमें चल जाएंगे, इतने देर करेंगे। अच्छा जी, नंबर तो पड़ेगा लेकिन पीएचडी आदमी खातर एक डी ग्रुप की नौकरी कितनी शर्म की बात है। ये मानता हूँ मैं बात। हाँ, पढ़ा लिखा की पीएचडी की नौकरी शर्म की बात ये है। हाँ, तो करे क्या? तो आप सरकार, बीजेपी सरकार आपको सही लगती है नहीं लगती? बात ये जी, काम करने लग रही है अभी तो ठीक है, आगे क्या पता लगता है। अच्छा, आगे का क्या पता? इतने साल हो गए अंकल जी, 2014 से आई थी, 2024 हो गई अब। हाँ जी, ठीक है, कितने साल हो गए? लगभग 14, मतलब 10 साल हो गए। 10 साल तो करीब ज्यादा हो गए। हाँ, तो अब आपका क्या कहना भाई, इतने सालों में कुछ नहीं हो पाएगा, क्या आगे हो पाएगा? ऐसा प्रबंध कर देगा पक्का, समझ में नहीं आएगा, ऐसा काम कर देगा, ऐसा काम कर देगा। अंकल जी एक बार अंदर आ जाओ, ये 2 मिनट का काम, 2 मिनट तो आ जाओ एक बार। फिलहाल ये भाई है, एक मिनट खड़े होइए अंकल जी, एक मिनट खड़े होइए।